सर आज ये किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या उद्देश्य है सर? आज मेरे और डीएम साहब के द्वारा जो 17 और 18 तारीख में पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पुलिस आरक्षी की भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है, उसके संबंध में सभी केंद्र व्यवस्थापक, ड्यूटी में लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा सभी सेंटर पर लगे पुलिस ऑब्जर्वर्स, इनकी ब्रीफिंग की गई थी। इस पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए हैं तथा समस्त अधिकारियों की एडीजी महोदय से लेकर और केंद्र व्यवस्थापक तक सभी के उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में एडीजी जोन साहब द्वारा मीटिंग की जा चुकी है, डीआईजी महोदय द्वारा भी मीटिंग की जा चुकी है और आज मेरे व जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी की मीटिंग की गई है। जैसा विदित है 17 और 18 तारीख में 4 पालियों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जनपद गाजीपुर में हर पाली में 18,000 जो प्रतियोगी छात्र हैं वो बैठेंगे। करीब 72,000 छात्र यहाँ 4 पालियों में देंगे। पूरे प्रदेश में करीब 48 लाख से ऊपर छात्र इस पूरी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। उस व्यवस्था को बिल्कुल सुचितापूर्ण हो और निर्विघ्न रूप से परीक्षा हो, उसके लिए जनपद स्तर पर भी व्यापक तैयारी की गई है। जनपद में इस परीक्षा के लिए 45 सेंटर्स बनाए गए हैं। सभी सेंटर्स पर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स रहेगी। इसके अलावा वहाँ की सुरक्षा के लिए, वहाँ किस तरह से एग्ज़ाम कराया जाएगा उसके लिए बोर्ड द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं और थर्ड पार्टी एजेंसीज भी इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी रखने के लिए लगाई गई हैं। उस दिन क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र आएंगे, उन छात्रों को कहीं कोई भटकाव ना हो, उसके लिए कुछ स्थानों पर पुलिस द्वारा, हम लोगों के द्वारा हेल्प डेस्क भी लगाई जा रही है। विशेष रूप से रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और यहाँ पे एक लंका बस अड्डा है जो बड़ा चहल पहल वाला है, वहाँ से आंतरिक जो हमारी बसें जाती हैं शहर के अंदर विभिन्न स्थानों पर, क्योंकि इस परीक्षा में लगभग जनपद के हर तहसील में सेंटर बनाए गए हैं, बड़ी संख्या में सेंटर हैं। इसी के साथ जो छात्र आएंगे आप लोगों के माध्यम से, उन लोगों से भी अपील है कि अपना पहले से ही सेंटर वगैरह की जानकारी कर लें। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो आके कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया जा रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस के जो हेल्प डेस्क बन रही है उस पर संपर्क कर सकते हैं और यथा समय 8 बजे से लेके और 9:30 बजे तक प्रथम पाली में समय रखा गया है कि सभी छात्र अपने सेंटर्स पर पहुंच जाएं। इसी तरह से 1.5 घंटे का विंडो हर पाली में खोला गया है। उसके बाद जैसे उदाहरण के रूप में प्रथम पाली में आएंगे तो 9:30 बजे के बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद फिर वो उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। उन्हें अपने साथ जो भर्ती बोर्ड द्वारा प्रवेश पत्र दिया गया है, निर्गत किया गया है, उसे अपने साथ लाएं और जो वहाँ हमारी एजेंसी इस काम के लिए वहाँ पे चेकिंग और फ्रिस्किंग के लिए और वेरिफिकेशन के लिए लगाई गई हैं, उनके साथ पूर्ण सहयोग करें और पूरी परीक्षा को सकुशल कराने में, क्योंकि अभ्यर्थियों का भी बड़ा योगदान रहता है,
अपना परीक्षा दें और अपने अपने गंतव्य को जाएं। ये पूरी व्यवस्था के संबंध में आज ब्रीफिंग कर दी गई है। अभी निरंतर अगली ब्रीफिंग केंद्र व्यवस्थापक के स्तर से की जाएगी, फिर जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं, सहायक नोडल अधिकारी हैं, एसपी सिटी और एडीएम साहब, ये करेंगे। इसके अलावा 16 तारीख तक ये सारी व्यवस्थाएं सब सेंटर्स पे मुकम्मल कर ली जाएंगी। उनका सीटिंग प्लान, ऐसे स्थान पर उसका प्रदर्शन, उसके सीटिंग प्लान का जहाँ पे वो एग्ज़ाम देंगे, इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो कर ली जाएंगी।